आज मैं प्रिया आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल तड़का। दाल तड़का बनाने के लिए आपको चाहिए 2 मीडियम साइज के टमाटर कटे हुए, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक छोटा और 1 बड़ा चम्मच तेल, 2 खड़ी लाल मिर्च जो जिसके मैंने टुकड़े कर लिए हैं, 4 करी लहसुन के जो मैंने काट लिए हैं, 1 चम्मच जीरा और कड़ी पत्ता 10 और 1.5 कप दाल। मैंने दाल धो लिया है, कड़ा लिया है, इसमें मैंने 4 कप पानी डाला है और ये दाल डाली है। अब इसमें मैं 1 चम्मच हल्दी और नमक ये दोनों डाल देती हूँ। अब मैं चला लेती हूँ और कुकर बंद कर लेती हूँ। 4 सीटी में ये दाल पक जाएगा और आपको फ्लेम तेज रखना है। 4 सीटी हो गई है और मैंने गैस बंद कर दिया है। अब 5 मिनट तक आप कुकर को ठंडा होने दें। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम चेक कर लेते हैं स्टीम निकल चुकी है या नहीं। अगर स्टीम हो तो आप इसे निकाल ले चम्मच को। अब मैं कुकर खोल लेती हूँ। अभी अरहर की दाल पक गई है, मैंने अरहर का दाल यूज किया है, आप मूंग की दाल भी यूज कर सकते हैं। अब मैं तड़का लगाने जा रही हूँ। कढ़ाई गरम होने के बाद ही मैं ये तेल डाल ले रही हूँ। 1 चम्मच तेल है, बड़ा चम्मच। अब तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ। जीरा को हल्का सा ब्राउन होने दे। अब जीरा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब मैं यहाँ पर लहसुन डाल देती हूँ। आप प्याज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्याज डालते हैं तो उसका प्याज का टेस्ट अलग आएगा। अब लहसुन को हल्का लाल होने दे, थोड़ा चला ले। लहसुन लाल हो चुकी है, अभी मिर्ची डाल दे, खड़ी लाल और कड़ी पत्ता। अब मैं टमाटर डाल देती हूँ। अब मैं इसे चला लेती हूँ। आप हल्का सा नमक डाल दें। नमक डालने से टमाटर गल गया है। अब मैं ये दाल डाल देती हूँ। और इसे चला लेती हूँ। तड़का लग चुका है। मैंने दाल को इस बाउल में निकाल लिया है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।